हेलो गाइस, वेलकम टू दुनिया ट्रेवल। दुनिया ट्रेवल में आपका फिर से स्वागत है। सो गाइस, आप लोगों ने बना लिया है त्रिवुंड जाने का प्रोग्राम और कर लिए हिमाचल के लिए पैकिंग। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे अपना त्रिवुंड ट्रैक पर जाने का प्लान कर सकते हैं और हिमाचल के इस खूबसूरत ट्रैक को आप कैसे पार कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको रोड साइड फुल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कितने टोल पड़ते हैं, कैसे पहुँचा जा सकता है और रास्ते में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को एंड तक पूरा देखना, आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी त्रिवुंड ट्रैक तक पहुंचने की। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए, हम सबका जवाब देते हैं। मैं अपने ट्रैक प्लानिंग की बात करूँ तो हम लोग रात को 10 बजे दिल्ली से निकले और दिल्ली से निकलने के बाद हम लोग करीब 11 बजे मूरथल पहुंच गए। मूरथल पर हम रुक के हमने अमरिक सुखदेव के वहाँ पे पराठे का जायका लिया, अपना डिनर किया और वहाँ से डिनर करने के बाद हम आगे की तरफ निकल लिए। अगर मैं अपने रूट की बात करूँ तो हम दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से रोपर, रोपर से नांगल, नांगल से ऊना, ऊना से मुबारकपुर, मुबारकपुर से देरा, देरा से कांगड़ा, कांगड़ा से धर्मशाला और धर्मशाला से मकलोड़गंज और उसके बाद त्रिवुंड पहुंच गए। मूरथल से खाना खाने के बाद हम लोग कंटिन्यू चलते रहे और चलने के बाद हमने 2.5 घंटे बाद ब्रेक लिया। 2.5 घंटे बाद हम थे चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में हमने एक जगह पे, जो चंडीगढ़ सिटी से साइड में एक बाईपास रोड कटता है हिमाचल की तरफ जाने के लिए, हम उस पर रुके। आपको एक सजेशन दे दूँ तो कभी भी जब ऐसे रोड पर हम ट्रिप के लिए जाते हैं तो हम रास्ते में 2-2.5 घंटे के बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोगों का माइंड फ्रेश हो जाता है, थोड़ी बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है। आप लोग भी कभी ऐसे बाहर जाया करो तो बीच में रेस्ट ले लो, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे जैसे भी आपको सूटेबल हो उसके हिसाब से आप रेस्ट ले सकते हो। और ये ज़रूरी होता है क्योंकि आप कंटिन्यू ड्राइव करते हो तो आपको माइंड थोड़ा ड्राइविंग में अड़ा रहता है, तो आपको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए ताकि आप रिफ्रेश फील करो। तो यहाँ चंडीगढ़ में हमने 15 से 20 मिनट का रेस्ट लेने के बाद हम फिर आगे के लिए निकल लिए। सुबह के 5:30 बजे हम लोग ऊना पहुंच गए थे। ऊना से हमने 5:30 बजे क्रॉस किया। उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए कहीं रुके। ऊना से 12 से 13 किलोमीटर आगे जाने के बाद हम लोगों ने अपने गाड़ी को फिर से रोका और वहां पर एक ढाबे पर रुके। वहां पर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया क्योंकि सुबह के 6:30 बज रहे थे, तो चाय पीने का सबसे बेस्ट टाइम है अगर आप ऐसे ट्रिप पर जा रहे हो। तो हमने वहाँ पर रुक कर चाय और ब्रेकफास्ट का थोड़ा लुत्फ उठाया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग आगे के लिए निकले और मैं आपको बता दूं, ऊना से 15 से 20 किलोमीटर के बाद आपका हिल एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से हमारा हिल एरिया स्टार्ट हो गया। हम लोग मुबारकपुर से आगे देहरा और कांगड़ा के रास्ते पर चल रहे थे और यहाँ पर रास्ते में काफ़ी अच्छी अच्छी लोकेशन थी और व्यू इतना औसम था कि गाड़ी रोक के बार बार रोक के देखने का मन कर रहा था। तो हम लोगों ने काफ़ी बार गाड़ी रास्ते में रोकी और वहाँ पर फ़ोटो खिंचाए और बाहर के लोकेशन को एक्सप्लोर किया। वाकई में ये जगह ऐसी थी जो आप अगर आओगे अपनी गाड़ी से तो आप बिना रुके नहीं जाओगे। तो हम लोगों की गाड़ी भी कहीं बीच बीच थोड़ी थोड़ी दूर चल के रास्ते में रुक रही थी, हर लोकेशन को हमने एक्सप्लोर किया। इन रास्ते में हमें काफ़ी मंदिर देखने को मिले, श्री माता बगला देवी टेम्पल, कांगड़ा टेम्पल, नगरकोट टेम्पल, चामुंडा टेम्पल, ऐसे बहुत सारे टेम्पल रास्ते में पड़े जब धर्मशाला आने से पहले पड़ जाते हैं। आगे बढ़ते टाइम हम लोगों को श्री माता बगला मखी मंदिर से थोड़ी सी आगे तंदूरी नान छोले वाले दिखे। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट 6 बजे किया था, उसमें सिर्फ हमने चाय ही पी थी तो ज़्यादा ब्रेकफास्ट किया नहीं था, इसलिए हम लोगों को भूख लगनी थी। तो हम लोगों यहाँ पे रुके और हमने यहाँ पे इन भैया के छोले नान का जायका लिया। आपको बता दूँ, ये वाकई में बहुत टेस्टी छोले और नान बनाते हैं। तंदूर वाली नान बनती है आलू डाल के और छोले की सब्जी। तो आप कभी भी इस तरफ आओ तो इनके छोले नान जरूर खाना। छोले नान खाने के बाद हम लोग अपने आगे के लिए डेस्टिनेशन के लिए निकले और यहाँ से धर्मशाला की दूरी ज़्यादा दूर नहीं थी, बस थोड़ी ही दूर रह गया था हमें पहुँचने में। जैसे ही हम लोग मकलोड़गंज पहुँचे तो वहाँ पे कंजेस्टेड एरिया दिखा हम लोगों को। वहाँ पे जो चढ़ाई है एकदम खड़ी चढ़ाई है। अगर आप लोग एक्सपर्ट हो गाड़ी चलाने में तो आप लोग ऊपर त्रिवुंड ट्रैक तक अपनी गाड़ी ले जा सकते हो, अदरवाइज़ आप लोग नीचे भी मकलोड़गंज में रूम लेके अपनी गाड़ी वहाँ पार्क कर सकते हो और होटल वालों के थ्रू या ऑटो से आप त्रिवुंड ट्रैक तक जा सकते हैं। क्योंकि ऊपर का रास्ता बहुत सक्रिय है और बहुत नैरो रोड है, तो इसलिए आप अगर एक्सपर्ट हो तो आप खुद अपनी गाड़ी लेके जा सकते हो। वहीं पे पार्किंग मिल जाएगी आपको, फैसिलिटी होती है इस रोड साइड, आप पार्क कर सकते हो। अदरवाइज़ मेरा सजेशन यही रहेगा, आप नीचे अपनी गाड़ी होटल में लगा दो और उनकी गाड़ी से आप ऊपर ट्रैक तक पहुँच जाओ।
वैसे तो कहीं भी ट्रैकिंग स्टार्ट करो तो सबसे पहले आप जितनी अर्ली मॉर्निंग में ट्रैकिंग स्टार्ट करो वो सबसे बेस्ट रहती है। हम लोग काफ़ी पीछे लेट हो गए थे और मकलोड़गंज में थोड़ा जाम और नैरो रोड की वजह से हम और ज़्यादा लेट हो गए, इसलिए हम अब त्रिवण ट्रैक पे अब 12 बजे के आसपास पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों ने नीचे ही पता किया कि ऊपर कैंपिंग के लिए क्या करना होगा, क्योंकि आप वन साइड जर्नी में आपको ऊपर रुकना पड़ेगा क्योंकि आप डायरेक्टली वापस नीचे नहीं आ सकते, क्योंकि 12 से 13 किलोमीटर का लगभग ट्रैक है, बोलते तो 9 से 10 किलोमीटर है लेकिन मैक्सिमम 12 किलोमीटर तो है ही, तो आप उसको चढ़ के वापस एक ही टाइम पे वापस नहीं आ सकते, आपको स्टे करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने नीचे ही दुकान वालों से पता किया, वहीं के लोकल लोगों से पता किया कि ऊपर कैंपिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमने वहां पर नीचे थोड़ा एक्सप्लोर करके हमें पता चला कि वहीं पे जो नीचे ट्रैक स्टार्ट ट्रैकिंग पर शॉप लगा के बैठे हैं वही लोग ऊपर की बुकिंग लेते हैं। तो हमने वहां पे बुकिंग के लिए बोला तो उन लोगों ने हमको बताया कि आपको कैंप ऊपर मिल जाएंगे, आपको बुकिंग यहीं से करानी पड़ेगी। अगर आप ऊपर जाके ही बुकिंग कराओगे तो उसकी गारंटी नहीं है कि आपको कैंप मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर अगर रश हुआ तो आपको कैंप नहीं मिलेगा, अगर नहीं हुआ तो बाय चांस आपको मिल सकता है। इसलिए हमने ऐसा कोई रिस्क नहीं लिया और हम लोग नीचे से ही कैंप बुक करा दिया। कैंप की आपको प्राइसिंग बता दूँ तो हम 4 लोग थे, हमने 2000 रुपये दिए उनको, 500 रुपये पर हेड के हिसाब से हमारा कैंप बुक हुआ। लेकिन वहाँ पे कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं पे चालूपंती होती है, तो आप लोग पहले ही नीचे पूछ लेना कि एक कैंप में कितने लोग आएंगे, क्योंकि हम चारों लोगों को उन लोगों ने एक कैंप के अंदर ही एडजस्ट कर दिया जिसमें कि कैपेसिटी मैक्सिमम 3 लोगों की थी। 2 लोग तो आ सकते हैं लेकिन मैक्सिमम अगर एडजस्ट करना चाहे 3 आ जाएं, लेकिन हम लोगों को एक ही कैंप में 4 कर दिया, तो इसलिए पहले ही नीचे बोल दें कि हम लोगों को इतने लोगों को एक कैंप में रहना है। तो ये सब आप क्लियर करके चलें ताकि आपको ऊपर ट्रैक पर, क्योंकि जहाँ पे कोई नीचे आप आ नहीं सकते एकदम से और उनसे आर्गुमेंट कर नहीं सकते, तो नीचे सब कुछ क्लियर करके ही चलें। जब आप ट्रैक स्टार्ट करें तो आप मेक श्योर कर लेना आप लोग टॉयलेट यूज़ कर लिया है, फ्रेश हो लिया है, क्योंकि ऊपर और रास्ते में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, आपको सब यहीं से नीचे करके जाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप एक्सपर्ट हो जंगल में करने के लिए, जंगल में कर सकते हो, नो प्रॉब्लम है आपको, तो आप ऊपर जंगल में कर सकते हो क्योंकि ट्रैक के साइड में काफ़ी जंगल होता है, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ आप इधर से ही सब कुछ फ्रेश होकर जाएँ क्योंकि ऊपर ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अपने साथ आप वाटर बोतल कैरी कर सकते हो क्योंकि ऊपर आपको वाटर बोतल तो मिल जाएंगी लेकिन वो आपको दुगने दाम में मिलेगी, मतलब प्राइस आपका डबल है। नीचे अगर 20 रुपये की पानी की बोतल मिल रही है तो आपको ऊपर 40 से 50 रुपये की पानी की बोतल मिलेगी। अपने साथ एनर्जी के लिए चॉकलेट बिस्किट रख सकते हैं और चिप्स रख सकते हैं, एनर्जी ड्रिंक रख सकते हैं, और आप ऊपर खाने के लिए कुछ सूखा सामान होता है जो आप एज यू विश जो आप खाना चाहते हो उस टाइप का आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि ऊपर इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी आपको। मैं ऊपर का बता दूं तो ऊपर आपको दाल चावल, अंडे ब्रेड और नॉर्मली सब्जी, ये चीज़ मिल जाएगा। बाकी अगर आप कुछ सोच के जा रहे हो कि वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट होंगे सबसे टॉप पे, तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे मैगी सैगी मिल जाएगी आपको। लेकिन ये जो मैं आपको खाने के चीज़ें बता रहा हूँ इनका प्राइस आपको सिंपली क्लेरिफाई कर दूं तो एक 2 अंडे के ऑमलेट आपको 150 रुपये मिलेगी, एक प्लेट दाल चावल आपको 150 रुपये में मिलेंगे और मैगी के 100 रुपये के आसपास प्राइस है। ऊपर जाते समय आप मेक श्योर कर लेना कि आपके पास एक्स्ट्रा बैटरी चार्जर है, क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई चांस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप अगर अपने लिए वीडियो बनाने जा रहे हो तो आप एक्स्ट्रा अपना पावर बैंक, चार्जर, बैटरी जो भी कुछ हो आप लेकर जाएं, क्योंकि ऊपर आप सोचोगे कभी चार्जिंग मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं है ऊपर। हाँ, लेकिन रास्ते में अगर आप जा रहे हो तो रास्ते में आपको पूरे ट्रैक के रास्ते में हर 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के बाद आपको एक शॉप मिल जाएगी जिसमें मैगी, पराठा, चाय, बिस्किट सब मिल जाएंगे, लेकिन पहले की तरह आपको बता दूं प्राइस सबका डबल मिलेगा। और ऊपर जाते समय आप अपनी जेब में कैश रख लें, क्योंकि ऊपर ऐसा आपका नेटवर्क इतना सॉलिड नहीं है, नहीं आएगा नेटवर्क। अगर आपका नेटवर्क पोस्टपेड है तो वो आपका आएगा, बाकी नेटवर्क नहीं आएगा, प्रीपेड नेटवर्क नहीं आएगा, पोस्टपेड नेटवर्क ही आएगा वहाँ पे। ऊपर जाने के लिए आपके पास अच्छे ट्रैकिंग शूज़ होने चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी पहाड़ को चढ़ने जा रहे हो तो आप नॉर्मल और स्पोर्ट्स शूज़ ऐसे ही पहन के जाओगे तो हो सकता है कि आपके पैर दुखे, टेढ़ा हो जाए। ट्रैकिंग शूज़ होना इसलिए रिकमेंडेड है क्योंकि आप थोड़ा रास्ता कच्चा है, पत्थरों के पहाड़ हैं, छोटे छोटे पत्थर काट के रास्ता बनाया हुआ है, तो इसलिए आप ट्रैकिंग शूज़ को यूज़ करें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी अदरवाइज़ आप स्पोर्ट्स शूज़ से भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ट्रैकिंग शूज़ यूज़ करें।
ऊपर जाते समय आप अपने साथ अम्ब्रेला या फिर रेनकोट जरूर लें, क्योंकि पहाड़ों पे भरोसा नहीं होता, कभी भी बारिश हो जाती है। तो आप कभी सोचो बारिश हो जाए तो आप कहीं पे शेड ले लोगे, कहीं से बच जाओगे, तो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। सीधे पहाड़ की बारिश आएगी, आप पत्थरों से अगर आपको शेड मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप भीगोगे। अगर ऐसे पहाड़ों पर भीगोगे तो आप बीमार पड़ सकते हो, आपके साथ आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो इसलिए आप ये सब आप मेक श्योर करके चलें कि आप ऊपर जा रहे हो पहाड़ पे, तो आपको सारी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक जा रहे हो तो आप तो सर्दी का मौसम होता है उस टाइम पे, तो आप ऑटोमेटिकली अपने लिए अच्छा गर्म कपड़े लेके जाएंगे। लेकिन बता दूँ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ही भी जा रहे हो तो आप अपने लिए एक जैकेट जरूर रखें, क्योंकि ऊपर काफ़ी ठंड रहती है। दिन में तो थोड़ा सही रहता है लेकिन नाइट में वहाँ पर ठंड हो जाती है, तो आप अपने लिए एक जैकेट, तो किसी भी मौसम में जा रहे हो तो जैकेट नॉर्मली रख के जाएँ। अगर सर्दियों के मौसम में जा रहे हैं तो आप स्नो वाली जैकेट लेके जाएं। कुछ लोग अपना कैंप लेके जाना चाहते हैं, अपना कैंप लेके चलते हैं पहाड़ों पे ट्रैकिंग करते हैं तो अपना कैंप लगाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, त्रिउंड में थोड़ा वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे फॉरेस्ट के गेस्ट हाउस हैं तो वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी वहीं पे अवेलेबल होते हैं। तो अगर वो कुछ ऐसी अड़चन लगाएं, आपको कैंप नहीं लगाने दें, तो इसलिए आप नीचे ही पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बता दें कि हम अपना कैंप ऊपर लगाना चाहते हैं, ताकि आपको ऊपर ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। और वहाँ के नीचे लोकल लोगों से भी पूछ सकते हो कि आप हम ऊपर कैंप लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, जिससे कि आप क्लियर हो जाए और आप ऊपर कैंप लेके जाओ तो अपना कैंप इजीली लगा लो। त्रिउंड तक जाने के लिए वैसे तो काफ़ी रास्ते हैं, लेकिन दो रास्ते मेन हैं। एक रास्ता वो है जो चेकिंग होके जाता है, जहाँ से आपके पूरे सामान की चेकिंग होती है। एक रास्ता अलग है जो हीना कैफे के नाम से एक कैफ़े है उसकी तरफ से जाता है, वहाँ पर कोई चेकिंग नहीं है। ये दो रास्ते इसलिए हैं क्योंकि कुछ बहुत सारे लोग तो जो मेन रास्ता उसी से जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने इन्जॉयमेंट के लिए कुछ सामान लेके जाना चाहते हैं तो वो लोग हीना कैफ़े की तरफ से जाते हैं। अगर आप नॉर्मली जा रहे हो तो आप उस रास्ते से जाओ। दोनों रास्ते बहुत अच्छे हैं, लोकेशन दोनों रास्ते में बहुत अच्छी है, पर हीना कैफ़े से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वहाँ पर आपको झरने देखने को मिल जाएंगे। और हम लोग भी ज़्यादा व्यू, अच्छा व्यू देखने के लिए हीना कैफे वाले रास्ते से गए। आप अपने साथ कुछ सम मेडिसिन भी कैरी जरूर करें, जैसे सिर दर्द हो गया, पैरासीटामोल हो गई बुखार के लिए, सर्दी के लगने के लिए, जो भी कुछ हो ऐसी एक दो मेडिसिन रख लें, क्योंकि ऊपर तो ऐसा कुछ मिलेगा नहीं ना, तो आपको अपनी सेफ्टी के लिए ऐसी चीज़ आप रख सकते हैं। रास्ते में आपको जो ट्रैक मिलेगा उस पर आपको संभल कर चलना है, क्योंकि काफ़ी जगह अच्छा ट्रैक है लेकिन काफ़ी जगह में बहुत नैरो रोड ट्रैक है, तो इस तरफ खाइए तो आप लोगों को देख के चलना पड़ेगा, संभल के चलना पड़ेगा। बाकी जब आप ट्रैक पर चलोगे तो आपको एहसास होगा वाकई में ये ट्रैक बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत ट्रैक है। तो यहाँ पर हम जब जा रहे थे तो हमको एक से बढ़कर एक लोकेशन मिली। तो गाइस देखिए, ये है त्रिउंड का टॉप। यहाँ पर पहुँचने के बाद जो हमें दिल को शांति मिली, जितनी थकान थी, जितना हम थक गए थे नीचे, जितनी हमने नीचे प्रॉब्लम्स झेली वो सब मिट गई यहाँ पे आने के बाद। यहाँ से जो व्यू दिख रहा है पूरा हिमालय का, पूरा उसको देखकर पूरे थकान सारी मिट गई और इस चीज़ को देखने का अलग ही आनंद आता है। तो गाइस ये है हम लोगों का कैंप जो अभी भाई लगा रहे हैं हमारा कैंप। इस कैंप में हम लोगों को रहना है। इसमें हम चार लोग फिट हो गए थे, फिट हुए नहीं थे, होना पड़ा क्योंकि इन्होंने बोला कि एक ही कैंप मिलेगा। शाम को यहाँ पे सनसेट हो रहा था तो हम लोग सब लोग जितने भी ऊपर पहाड़ पर आए थे सब लोग एक जगह पे इकट्ठा हुए और सनसेट को देखने लगे। वाकई में ये बहुत फेबुलस व्यू था, देख के पूरा मन खुश था। जब आप ऐसे लोकेशन पे इतनी मेहनत करके आते हो और जब एंड में ये चीज़ आपको देखने को मिलता है तो आपकी सारी थकान उतर जाती है। तो जब ये सनसेट हो रहा था हम लोग एक जगह पर फ्रीज हो गए और हम सिर्फ इसी को देखने लगे और वाकई में सब लोग यहाँ पे फुल एंजॉय कर रहे थे उस टाइम पे। तो सनसेट हो चुका है और यहाँ पे पूरा रात हो गया है। रात के समय में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर आसमान में चारों तरफ तारे ही तारे दिख रहे हैं, इतने तारे दिख रहे हैं जितने हम आज तक कहीं पर नहीं दिखे।
तो ये सारा नाइट व्यू देखने के बाद हम लोग सो गए और उसके बाद हम लोग उठे सुबह सुबह जल्दी उठे, क्योंकि जल्दी उठना रिकमेंडेड है अगर आपको सनराइज़ देखना है। सो हम लोग बैठ गए सब लोगों के साथ। यहाँ पर 50% इंडियन थे तो 50% फॉरेन कंट्री के आए हुए थे, तो वो भी लोग थे, हम लोग भी थे। हम लोग देखने लगे सनराइज़। तो आप ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा सनराइज़ कैसा होता है पहाड़ों पे, और कितना मनमोहक दृश्य है ये, देखने के लायक है। सनराइज़ देखने के बाद हम लोगों ने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, चाय पी। चाय पीने के बाद हमने थोड़ा सा पीछे जाके एक्सप्लोर किया और हम चल दिए नीचे की तरफ, क्योंकि जितनी जल्दी नीचे आएंगे उतनी जल्दी हम पहाड़ को नीचे उतर पाएंगे। जितना मज़ा हम लोगों को ऊपर चढ़ने में आ रहा था, उससे ज़्यादा मज़ा हमको नीचे उतरने में आ रहा था, क्योंकि वाकई में हम दोबारा से वही लोकेशन वही व्यू देख रहे थे जो हम आते टाइम देखा था, और हमारा मन नहीं भर रहा था। सो गाइस, हम लोगों को बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो हम कमेंट करके ज़रूर पूछना, हम सब कमेंट का जवाब देते हैं।